हेलो बच्चों, आज हम नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। नरेशन मतलब हम अपनी बात को किस प्रकार कह सकते हैं। अपनी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। किसी व्यक्ति की कही हुई बात को हम मूलतः उसी प्रकार से कहते या लिखते हैं, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब हम बात को उसी कही हुई बात को जब हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे उदाहरण देखिए, पढ़ा लिखना है। राजन सेज आई एम गोइंग। राजन कहता है मैं जा रहा हूँ। यही कही बात को जब कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा तो वो कैसे कहेगा? राजन कहता है कि वह जा रहा है। यहाँ पर हमने पहली जो बात कही है ये कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। और जब वक्ता की बात को जब हम अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हमें देखना है इसको दो भागों में बांटा गया। इसके दो पार्ट्स हैं। ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा, इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ वाक्य कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला भाग है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाला पार्ट है ये है रिपोर्टेड स्पीच। जब हम बात को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में व्यक्त करते हैं तब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और उसकी जगह हम लगाते हैं कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जब हम इस बात को इनडायरेक्ट में कहेंगे तो हम कहेंगे राजन से दैट, कॉमा की जगह हमने कंजंक्शन लगाया है दैट ही वाज गोइंग, दैट ही वाज गोइंग। इसी बात को कहने के दो दो प्रकार से हमने उस बात को व्यक्त किया है। ये हो जाता है डायरेक्ट स्पीच और ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बनाने में हमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हमें हटाना पड़ता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कुछ और चेंज करने पड़ते हैं। वो प्रमुख जो चेंज है वो है प्रोनाउंस में क्या क्या चेंज करने पड़ते हैं। चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन तो आप लोग जानते होंगे। प्रोनाउन में किस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पर आई लिखा था उसको हमने चेंज कर दिया ही में, ये क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउन में चेंज किस प्रकार से किए जाते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में किस तरह से चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या है, जैसे आई, माई, वी, अस, अवर, ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, माई, वी, अस, अवर, ये जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेज आई एम राइटिंग अ लेटर। द टीचर सेज आई एम राइटिंग अ लेटर। अब हम इसमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट
फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. अच्छा फर्स्ट पर्सन में चेंज काय के अनुसार होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार. यानी ये जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा. द टीचर सेज, कॉमा हटाएंगे उसकी जगह कंजंक्शन लगेगा दैट. आई फर्स्ट पर्सन है वो टीचर के अनुसार ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा. ही वाज राइटिंग अ लेटर. फर्स्ट पर्सन में किस प्रकार से चेंज होगा? द टीचर सेज दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर. और एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट पर्सन में ही सेज वी विल गो फॉर पिकनिक. अब ये चेंज देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में किस प्रकार से चेंज होगा. ही सेज दैट वी जो है फर्स्ट पर्सन है ये इसके अनुसार थर्ड पर्सन में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? दे. वी चेंज हो जाएगा दे. दे विल गो फॉर पिकनिक. हमने क्या सीखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय फर्स्ट पर्सन में रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है. अब हम देखेंगे सेकंड पर्सन में किस प्रकार से चेंज होता है. सेकंड पर्सन में रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है वो उसका प्रोनाउन जैसे यू योर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. यू या योर ये काय के अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. सेंटेंस एग्जांपल देखिए यू सेड टू मी. यू सेड टू मी यू आर एन ऑनेस्ट मैन. यू आर एन ऑनेस्ट मैन. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और दिस इज अवर रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का ये सेकंड पर्सन जो है वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार. अब ये चेंज होगा क्या बनेगा? यू सेट को चेंज कर देंगे टोल्ड में. यू टोल्ड मी कॉमा हटेगा कंजंक्शन लगेगा दैट इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा. यू चेंज हो जाएगा मी के अनुसार आई. आई एम एन ऑनेस्ट मैन. यू टोल्ड मी दैट आई एम एन ऑनेस्ट मैन. सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकंड पर्सन का यूज किया जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. तीसरा इसमें प्रमुख प्रोनाउन में चेंज है वो है तीसरा थर्ड पर्सन में किस प्रकार से चेंज होता है. एग्जांपल देखिए ही सेड टू मी कॉमा They are going. अब इसमें ये जो दे है थर्ड पर्सन का इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है. फर्स्ट पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच में था तो वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. सेकंड पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच का है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार. और थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है. ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट दे व
was going. They were going. तो ये इस प्रकार से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में हमने क्या चेंज देखे, पर्सन में किस प्रकार से चेंज होते हैं. फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है. दूसरी चीज हमें, अब एक और चीज हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में ये ध्यान रखनी है कि टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है. टेंस में भी किस प्रकार से परिवर्तन होगा वो हम देखते हैं. उससे पहले हमें ये देखना है कि इनडायरेक्ट नरेशन में नियरनेस व्यक्त करने वाले शब्दों को हम डिस्टेंस में व्यक्त करने वाले शब्दों में बदल देते हैं. जैसे नाउ चेंज हो जाएगा, नाउ चेंज हो जाता है देन में. दिस चेंज इनटू दैट, दिस चेंज हो जाएगा दैट में. दिस चेंज इनटू दोस, हियर चेंज इनटू देयर. एगो चेंज हो जाएगा बिफोर, एगो चेंज इनटू बिफोर. इसी प्रकार से दस, दस चेंज हो जाएगा सो. टुडे चेंज इनटू दैट डे, टुडे चेंज इनटू दैट डे. यदि टुमारो कहीं पर यूज हुआ है तो टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे. यस्टरडे चेंज इनटू द डे बिफोर, द डे बिफोर. लास्ट नाइट चेंज इनटू द नाइट बिफोर और द प्रीवियस नाइट. द नाइट बिफोर और प्रीवियस नाइट. तो ये हमने चेंज क्या देखे हैं, नियरनेस व्यक्त करने वाले शब्दों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो इस तरह से चेंज होगा. Now change into then, this change into that, these change into those, here change into there, ago change into before, thus into so, today change into that day, tomorrow change into the next day, yesterday change into the day before, or last night, the night before, or the previous night. इसके बाद अब हम प्रमुख चेंजेस देखते हैं टेंसेस में. टेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय टेंस में क्या परिवर्तन होते हैं. सबसे पहले हमें बात ये याद रखनी है कि यदि हमारी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी यदि पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है इनडायरेक्ट नरेशन हमें जब बनाना है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या परिवर्तन होगा. पहला, यदि बस ये याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में है, प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो ये चेंज हो जाती है पास्ट इनडेफिनेट. It is changed into past indefinite. इसका example देखिए, he said, comma, inverted comma हम लिखेंगे, I write a letter. ये देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनिट. अभी हमने आपको बताया कि टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे. तो सबसे पहले ही सैड या ही टोल्ड, कॉमा हटेगा उसकी जगह कंजंक्शन दैट,
आई चेंज, आई जो है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार. ही, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसको हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनेट में. तो इसका पास्ट इंडेफिनेट क्या होगा? ही रोट अ लेटर. ही रोट अ लेटर. तो ही सेड आई राइट ए लेटर. इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा ही टोल्ड दैट ही रोट अ लेटर. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है. और एग्जांपल देखिए, शी सेड टू मी. We sing a song. ये सेंटेंस देखिए, she said to me. ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है. अब हम जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो said to को चेंज कर देंगे told में. तो she told me, कंजंक्शन लगेगा that. और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, ये इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होकर हो जाएगा दे. ये चेंज हो जाएगा दे सिंग की पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? सैंग. दे सैंग अ सॉन्ग. उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर दिया है पास्ट इनडेफिनिट टेंस में. तो रिपोर्ट टेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन करना है? सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस में. यदि रिपोर्टेड स्पीच में, और एग्जांपल देखिए, शी सेड टू मी, यहाँ पर सेड टू को हमने कन्वर्ट कर दिया टोल्ड में, कॉमा हटेगा, वहां कंजंक्शन दैट लगेगा और ये चेंज हो गया. वी जो प्रोनाउन है उसमें चेंज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार और ये वर्ब जो है हमने पास्ट टेंस की वर्ब यूज करके इसको चेंज कर दिया दे सैंग अ सॉन्ग. ये हमने पहला टेंस में परिवर्तन देखा कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस में. अब इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. अब देखिए किस प्रकार से परिवर्तन होगा, हम एग्जांपल देखते हैं. ही सेड टू मी शी इज राइटिंग एन एसे. ये देखिए ही सेड टू मी और हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा शी इज राइटिंग एन एसे. अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में. इसमें किस प्रकार से चेंज होगा? ही टोल्ड मी, कॉमा की जगह हटके कंजंक्शन लगेगा दैट. शी थर्ड पर्सन है, इसके सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा. ये हो जाएगा शी वाज राइटिंग एन एसे. शी वाज राइटिंग एन एसे. ये चेंज हो गया इनडायरेक्ट नरेशन में. तो इनडायरेक्ट नरेशन में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हमने टेंस में चेंज देख रहे हैं.
पहला हमने टेंस में चेंज देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि रिपोर्टेड स्पीच में है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा यदि कंटिन्यूअस में है प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस चेंज में। ये हमने एग्जाम्पल देखा ही सेड टू मी शी इज राइटिंग एन एसे तो इनडायरेक्ट नरेशन में से हम बोलेंगे ही टोल्ड मी दैट शी वॉज राइटिंग एन एसे। और एग्जाम्पल देखिए मोहन सैड आई एम लर्निंग French. Mohan said, I am learning French. अब जब हम इसका indirect narration बनाएंगे तो इसमें किस तरह से change होगा? Mohan said that I का ये pronoun ही हमने आपको पहले बता दिया कि first person का pronoun रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा मतलब थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। मोहन सेड दैट ही वाज लर्निंग फ्रेंच तो दूसरा हमने चेंज टेंस में ये देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तीसरा हम चेंज प्रमुख चेंज देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है प्रेजेंट परफेक्ट तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। टेंस आप लोगों ने 11th में पढ़े ही होंगे ना तो ये देखिए किस तरह से चेंज होगा ही सेड ये हमारा सेंटेंस है आई हैव डन माय वर्क He said, "I have done my work." अब हमने इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा He said that I change इसके अनुसार हो जाएगा He और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा He had done ये माय में भी चेंज हो जाएगा ये इसके अनुसार his में बदल जाएगा He had done his work. He said that he had done his work. मैंने reported speech का present perfect tense indirect narration बनाते समय present perfect change हो जाता है past perfect tense में। हमने ये देखा कि pronoun की चीज़ मैं आपको पहले ही बता दिए हैं ये फर्स्ट पर्सन का था कि ये रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ये हो जाएगा ही सेड यहाँ पर कॉमा हट कर लगेगा कन्वेंशन दैट ही हैड डन हिज वर्क। तो ये तीसरा हमने इम्पोर्टेंट टेंस का चेंज देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिपोर्टेड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अब हम चौथे वाला परिवर्तन देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारी पास्ट टेंस की है अब रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा।
जैसे ही सेड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आई हैव बीन स्लीपिंग I have been sleeping since 11 o'clock. ये हमारा sentence है. He said, I have been sleeping since 11 o'clock. यहाँ पर हमारा reporting verb past tense में है और reported speech present perfect continuous tense की है. अब हम इसका indirect addition बनाएंगे तो इसमें किस प्रकार से change होगा? He said That I इसके अंदर चेंज होकर he had been sleeping since यहाँ कोई भी कोई चेंज नहीं है एंड का मेन चेंज हो जाता है he said that he had been sleeping since 11 o'clock तुमने क्या चेंज किया है कि present रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जब हमने इनडायरेक्ट नरेशन में बदला तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल दिया जैसे ही सेड आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 11 o'clock ये हो गया ही सेड दैट ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 11 o'clock मतलब ये प्रोनाउन में चेंज हमने आपको पहले बता दिए कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा यदि कोई सेकंड पर्सन है देखिए किस प्रकार से चेंज होगा ही सेड यू हैव बीन टीचिंग यू हैव बीन टीचिंग मी फॉर टू मंथ्स इसका जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो यू सेकंड पर्सन है ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये ही नहीं है यानी यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा ही सेड कॉमा हट के कंजंक्शन लगेगा दैट यू हैड बीन टीचिंग You had been teaching लेकिन me में change होगा ये first person का तो ये me change into him. He said that you had been teaching him for 2 months. For 2 months. इस प्रकार से हमने present tense के चार change देख लिए direct से indirect narration बनाने में सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि ये वाला भाग है ये reporting verb है और इसके बाद में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है ये रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब्स जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बात करते हैं तो हमें कॉमा हटाना है इन्वर्टेड कॉमा हटाना है फिर हमें इसमें के प्रोनाउंस में चेंज करना है और टेंस में चेंज करना है और नियरनेस व्यक्त करने वाले शब्दों को हमें डिस्टेंस व्यक्त करने वाले शब्दों में भी बदलना होता है तो टेंस में हमने पहला चेंज देख लिया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज हो जाता है पास्ट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये प्रमुख चार चेंजेस हमने ये देखे हैं टेंस में और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में अभी हमने क्या देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार परिवर्तन होगा एग्जाम्पल देखिए जैसे ही सेज आई विल
to Mumbai. He says, I will go to Mumbai tomorrow. यहाँ पर हमारा जो reporting verb है, ये कौन से reporting verb का tense क्या है? Present tense है ये. Present tense है. तो reported speech के tense में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है. केवल परिवर्तन होगा उसके pronoun में, परिवर्तन होगा हमें ये जो शब्द व्यक्ति किए जा रहे हैं distance वाले या nearness वाले, इन शब्दों में change होगा. ये इसका indirect narration बनाएंगे तो ये हो जाएगा. He says, format के conjunction लगेगा that I change first person है तो ये इसके subject के अनुसार बदल कर हो जाएगा. He will go Mumbai tomorrow जो है वो change कार्य हो जाता है the next day. He says that he will go Mumbai the next day. Means reported speech के tense में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया. केवल परिवर्तन किया गया है तो pronoun में किया गया है, परिवर्तन अन्य शब्दों में किया है, लेकिन उसका जो tense था उसमें हमने किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है. और example देखिए. She said, present tense. She says to me, he was telling lies. ये देखिए, she says to me, यानी ये reporting verb का tense जो है. रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस है. रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे. केवल चेंज होगा तो उसके प्रोनाउन में चेंज होगा. और इसका ये प्रोनाउन जो है थर्ड पर्सन का है. थर्ड पर्सन में वैसे भी कोई परिवर्तन नहीं होता है. तो जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा शी सेज me, comma हट के convention लगेगा that he was telling lie. हमने जब indirect narration बनाया तो हमने ये देखा कि जब हमारी reporting verb present tense में है तब reported speech के tense में कोई परिवर्तन नहीं होता. दूसरे प्रोनाउन में परिवर्तन हो सकते हैं, अन्य शब्दों में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन उसका टेंस ये तो यहाँ पास्ट टेंस है तो पास्ट ही रहेगा. ये पास्ट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट कंटिन्यूस रहेगा. ये फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर रहेगा. यहाँ भी फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर रहेगा. रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारी प्रेजेंट टेंस की होती है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता. और इससे पहले हमने भी देखा है कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस तरह से परिवर्तन हुए थे ये हमने अभी आपको बताया. और तीसरा हम चेंज देखते हैं कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन से टेंस की है? फ्यूचर टेंस की. फ्यूचर टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा. जैसे ही विल से आई शैल राइट यहाँ पर
क्योंकि यहाँ ये भी फ्यूचर है तो टेंस तो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ, बस ये हो जाएगा ही विल से, कॉमा हटेगा तो यहाँ लगेगा दैट, आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा ही, और शैल ही के साथ लगेगा विल तो वुड में चेंज हो जाएगा ही वुड राइट अ लेटर. Would write a letter. Shall change हो जाता है should में, will change हो जाता है would में. तो यहाँ पर ही के साथ will की जगह हमने क्या लगा दिया, would लगा दिया. तो हमने तीसरा important change देख लिया. पहला हमने देखा था कि जब reporting verb past tense की है तब क्या क्या परिवर्तन हुए, जब reporting verb present tense में थी तब क्या परिवर्तन हुए, तीसरा reporting verb जब हमारे future tense में है तो reported speech के tense में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेन परिवर्तन होता है प्रोनाउन में, और दूसरा नियमस या डिस्टेंस बताने वाले शब्दों में चेंज होता है. अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं और देखिए ये देखिए ताकि आप लोगों का रिपीटेशन हो जाए ये जो भी हमने पढ़ा है. अब इसमें ये आपके लिए प्रैक्टिस क्या है आप लोग करके देखिए. You never helped me. अब इसका indirect narration. अब he said you never helped me. इसमें हम देख रहे हैं ये भी हमारा past tense है और reported speech भी past tense की है. तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस की है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस की है तब किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है और रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारी पास्ट इनडेफिनेट की है तो ये चेंज हो जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस. तो यू नेवर हेल्प मी अब ये इसका चेंज क्या हो जाएगा, ही सेड दैट यू, पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या बोलेंगे, यू हैड नेवर हेल्प्ड मी जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होकर हो जाएगा हिम. ये हमारा बन गया ही सेड दैट यू हैड नेवर हेल्प्ड हिम. मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जब पास्ट टेंस की है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस की है तब क्या टेंस में परिवर्तन होगा वो हम देख रहे हैं. तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट पर. और एग्जांपल देखिए आई आई रोट अ लेटर. रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस भी पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट सिंपल की है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल. अब हमें इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है. सबसे पहले कॉमा हटाकर उसकी जगह हमें क्या लगाना है, दैट. ये हो जाएगा ही सेड दैट, आई चेंज इसके सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो ये हो जाएगा ही. अब आई रोट ए लेटर को जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा ही हैड रिटन अ लेटर. He said that I change हो गया इसके subject के अनुसार और past indefinite को past perfect में बदल दिया जाएगा. He had main verb की third form
written a letter. और example देखिए, teacher said teacher said to me, he gave you some books. Teacher said to me, he gave you some notes. अब ये reporting verb हमारी past tense में है और reported speech हमारी past indefinite में. अब हम इसका जब indirect narration बनाएंगे, ये हो जाएगा teacher said to, हम change कर देंगे told में, teacher told me that he third person में इसका कोई change नहीं होगा. He had third form given. You जो है second person में वो reported reporting verb के object के अनुसार change होगा. तो हो जाएगा he had given my he had given me some notes. Teacher said to change हो गया told में, teacher told me comma के में conjunction लगाया that he में कोई change नहीं होगा. He had given me some notes. ये हमने ये change देखे जो हमारी reporting verb भी past tense की है और reported speech भी past tense की है, तो past simple tense change हो जाता है past perfect tense में. अब दूसरा हम चेंज देखेंगे कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है. रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है यदि वो पास्ट कंटिन्यूअस की है, पास्ट कंटिन्यूअस की है, तो वो चेंज हो जाती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एग्जांपल देखिए, जैसे ही सेड टू मी I was buying a car. Okay. He said to me, I was buying a car. यहाँ हमारी जो reporting verb है ये तो past tense में है और reported speech जो है वो है past continuous. अब जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, he told me that he had been buying a car. इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हमने प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज कर दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. और प्रोनाउन में चेंज हमने आपको पहले भी बता दिया है कि यदि हमारा रिपोर्ट स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, ये आई जो है उसके अनुसार चेंज हो गया ही में और यहाँ पर हमने प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज कर दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ये चेंज होकर हो गया ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन बाइंग अ कार. अब यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस की है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट की हो, फिर यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस की है
तब हम उसमें देखिए कैसे क्या चेंज करेंगे. जैसे he said I had done my work. ये देखिए I had done my work, मतलब ये past perfect tense है. तो past perfect यदि reported speech past perfect tense की होती है तो direct से indirect narration बनाते समय इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है. और रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास टेंस की है तो ये हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे ही सेड दैट ही आई चेंज इनटू बी में ही हैड डन माय चेंज हो जाएगा हिज में हिज वर्क. ये हो गया ही सेड दैट He had done his work. हमने ये past tense में पहला change देखा कि reported speech में यदि past indefinite tense था तो वो change हो गया था past perfect में. past continuous tense यदि reported speech में तो वो change हो जाएगा past perfect continuous में. और यदि past perfect tense है तो उसके tense में कोई परिवर्तन नहीं होगा. परिवर्तन केवल उसके प्रोनाउंस में होता है या अदर वर्ड्स में होता है. अब इसी तरह से यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हमें उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है. केवल परिवर्तन होगा उसके प्रोनाउन में. जैसे ही सेड टू मी आई हैड बीन राइटिंग ये देखिए he said to me I had been writing a letter for 5 minutes. ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. परिवर्तन होगा तो इसके प्रोनाउन या अदर वर्ड्स में होगा. इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई चेंज इसके सब्जेक्ट के अनुसार ये में हो जाएगा ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स. हमने ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में आज हमने क्या क्या सीख लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा वाला पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो कॉमा हटेगा और उसकी जगह हमें कंजंक्शन लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, और टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है. जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है. रिपोर्टिंग वर्ब ये जब हमारी फ्यूचर टेंस की है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है. लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारी पास्ट टेंस की है और रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा वो हमने आपको बताया. प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में. प्रेजेंट सिंपल चेंज हो जाता है पास्ट सिंपल में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में.
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये चार हमने टेंस में परिवर्तन देखे। नेक्स्ट हमने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भी हमारी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में, तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का यदि पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? यदि कोई चीज नहीं समझ में आई है टेंस का, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच या टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, पूछना है आप लोगों को? बालाघाट से कटनी, देवास, बुरहानपुर, आठे, बैतूल, बालाघाट, सबको नरेशन समझ में आ गए? कोई प्रश्न है किसी का? अभी हमने जो नरेशन में ये सेंटेंस देखे, ये सारे असर्टिव सेंटेंस थे, सिंपल वाक्य थे। कल हम आपको करवाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में क्या क्या चेंज होता है, क्या परिवर्तन होते हैं, ये कल हम आपको बताएंगे।